यहाँ जो आंदोलन हो रहा है संविधान चौक नागपुर में, इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर अब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप जो दलित और आदिवासियों के लिए दी जाती है, उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 40% है और राज्य का है 60%, वो घटा के लगभग 11% कर दिया है। इसके वजह से बहुत सारे स्टेट जो है स्कॉलरशिप दे नहीं पा रहे। अब ये भी सुनने में आया है कि केंद्र सरकार अब 10% ही देने की डिसीजन लेगा, तो हम इसके खिलाफ है। ये सरकार ने करना चाहिए और जो ये जो रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 52% टू 10%, ये ख़त्म करना चाहिए। रेशियो जो है वो 60-40% रहे, 60% स्टेट 40% सेंटर। और ये जो ये सिर्फ स्कॉलरशिप जिन वो ऐसे बच्चे हैं जिनका उत्पन्न जो है 2.5 लाख है, तो वो भी सीलिंग बढ़ानी चाहिए 8 लाख तक, क्योंकि OBC के लिए वो सीलिंग 8 लाख है। ये स्कॉलरशिप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1944 में शुरू की थी। यार 75 साल में स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है दलितों में और आदिवासियों में एजुकेशन बढ़ाने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सरकार की स्टेप जो है ये सही नहीं है, गलत है। इसको ये 11% के बजाय ये 40% का रेशियो कायम रखे, और ये भी करे कि ये स्कॉलरशिप जो है वो मंथली रिलीज करे, क्योंकि ये मेंटेनेंस स्कॉलरशिप है। ये ट्यूशन फी वगैरह तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन बेसिकली बच्चों को खाने पीने के लिए फेलोशिप है, तो ये मंथली बेसिस पे देनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि संसद का सत्र बंद, सत्र नहीं है तो सांसद बोलेगा नहीं, और सांसद बोलेगा नहीं, और जैसे EVM का हो गया कि वोटिंग का अधिकार भी निरस्त के तरीके से चल रहा है, तो क्या इस तरह से संसद खत्म हो रही है? अब ये तो दिख रहा है कि जो बहुत सारे बिल्स है, लेबर बिल है, फार्मर का बिल है, और सारे डिसीजन है, ये कोविड की पीरियड में ली जा रही है, और वो पार्लियामेंट में ज़्यादा पूरी तरह उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है, वोटिंग नहीं हो रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो कम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसके ऊपर में आगे में क्या, जैसे आज पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी है अपने इस आंदोलन के लिए, तो आगे में क्या करेंगे? नहीं, वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से इस संघर्ष को जारी रखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट दिल्ली में, उसने इसमें लीड लिया हुआ है, तो वो करते रहेगी। आज यहाँ पे हम जमा हुए हैं सरकार के उस कदम का विरोध करने जो संविधान का विरोधी है। इस सरकार को संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि SC ST और पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी है उनके शिक्षण का वो ध्यान रखे, उसके लिए फाइनेंसेस अवेलेबल करा दें। अगर ये स्कॉलरशिप ही बंद कर देंगे तो ये जड़ से ही हमारे बच्चों को जो पानी, जो खाद मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, उसको बंद करने का ये षड्यंत्र है, और हम चाहते हैं कि ये ना हो। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। हमको ये डर है कि ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पार्ट है कि जिसमें ये चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग पढ़े ही ना। इसलिए आज हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं इस चीज़ का, सरकार के इस तरह के अन्याय का विरोध करने के लिए, और ये अन्याय का विरोध हम हमेशा करते रहेंगे। आज हम यहाँ पर संविधान चौक में जमा है। आज हमारी दो मांगे हैं। एक तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरी तरह से मिलनी चाहिए, और केंद्र सरकार जो उसमें अपना हिस्सा कम करने की कोशिश कर रही है वो उन्होंने नहीं करना चाहिए, वरना स्टेट गवर्नमेंट उतना स्कॉलरशिप नहीं दे पाएगी और अल्टीमेटली शायद हमारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। हमारी अगर स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी तो ये जो मेरे साथ में जो बच्चे खड़े हैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स, ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, बीच में ही इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, और शायद एक समाज का बहुत बड़ा जनरेशन का नुकसान हो सकेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार ने जो स्कॉलरशिप का अपना हिस्सा कम करने का बोला है वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। दूसरा एक हमारी मांग है कि IIT और IIM में जो रिजर्वेशन नकारा गया है उसके लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि IIT IIM में जब तक हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तब तक हमारा ना हमारे समाज का भला होगा, ना ही ये देश का भी भला होगा। तो इक्वालिटी लाने के लिए उनको भी वहाँ रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसे हमारी दूसरी मांग है। आज तो हमको
पुलिस लोगों ने कोरोना के कारण थोड़ा मनाही किया है, हम बहुत बड़ी सभा नहीं ले पाए, लेकिन हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सभा लेंगे। और उसी प्रकार से मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसमें अपने विचार बार बार रखेंगे। और ये आंदोलन केवल नागपुर तक सीमित न रखते हुए पूरे भारत देश में करने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में कि स्कॉलरशिप हमारा हक है और वो मिलाने की हम कोशिश करेंगे। आज सभी यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ये पिछड़े तबके के जो गरीब लोग हैं, जो माइनॉरिटी एससी एसटी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कॉलरशिप है, जो पिछले 70 सालों से चलते आ रही है और जिसके वजह से गरीब घर का लड़का एजुकेशन लेके कहीं अपनी खुद की प्रगति, अपने परिवार की प्रगति और साथ साथ में देश के प्रगति में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बने हुए, ऐसे होनहार बच्चों को जो पिछले तबके के हैं, इनको शिक्षा से वंचित रखने के लिए यह मनुवादी सरकार, जिनकी विचारधारा बहुत कलुषित है, जो नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे, गरीब के नहीं लेकिन पिछड़े वर्ग के विशेष करके जो बच्चे, जो होनहार है, जो अच्छे बुद्धिमान है, जो शिक्षा लेने के लिए आतुर है लेकिन फाइनेंशियल वजह से वो शिक्षा ले नहीं सकते, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि शिक्षा कितनी दिन ब दिन महंगी होते जा रही है, तो ऐसे वक्त सरकार का जो थोड़ा बहुत भी जो आर्थिक सहाय इन बच्चों को होता था, उससे ये बच्चे अपनी पढ़ाई करके काफ़ी नाम कमा लेते थे, अच्छे अच्छे कोर्सेस करके ऊपर आ जाते थे। तो ऐसे इस महत्वपूर्ण शिष्यवृत्ति को आने ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनका सहभाग था, वो धीरे धीरे इन्होंने जो 60% था वो कम करते हुए अभी ऐसा पता चला है कि वो सिर्फ 10% और बचा हुआ 90% राज्य सरकार ने कर रहा है। इस तरीके का कुछ ठहराव इन्होंने विचारार्थ लिया हुआ है, इसके वजह से ऐसा हो जाएगा कि 90% अगर से राज्य सरकार को देना पड़ा तो धीरे धीरे अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियाँ रहेगी और इसका अगर 90% भार अगर सहन नहीं कर सके सरकार, राज्य सरकारें, तो यह गरीबों को मिलने वाली शिक्षा शिष्यवृत्ति बंद हो जाएगी और पिछड़े तबके के लोगों का एक बहुत बड़ा पढ़ लिखने का सहारा जो था वो ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह एहसास करने के लिए आज सभी तबके से, भले ही यह विषय एससी एसटी का है, माइनॉरिटीज़ भी हमारे मित्र, माइनॉरिटीज़ के भी मित्र और सभी प्रकार के ओबीसी, एससी, एनटी, वीजेएनटी के भी लोग आज यहाँ पर एकत्रित, क्योंकि आगे चल के जो भी आर्थिक सहायता से निचले तबके के, आर्थिक पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग हैं, वो पढ़ाई से वंचित होने वाले जो लोग हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होने आ रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन जो है, जो शिष्यवृत्ति का तो है ही, साथ में पिछले एक साल से सभी लोग शिक्षा नीति जो सरकार लाना चाहती है, जिसमें शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें और भी बिना पैसे से तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो एक विशिष्ट लोगों का ही शिक्षा पे अधिकार रहेगा, तो इससे पूरा देश धीरे धीरे पीछे जाएगा। यह सिर्फ इस विशिष्ट वर्ग ही पीछे जाएगा नहीं, तो हमारे देश का भी जो प्रगति होनी चाहिए वो, उसकी जो स्पीड रहेगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इसलिए इस देश का हर बच्चा शिक्षा लेकर अच्छा प्रगति करे, जिससे अपने देश की प्रगति होगी, ऐसा हम सभी का विचार है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार को हमारा अनुरोध है कि जो शिष्यवृत्ति इन छात्रों को मिलती है वो पूरी तरह से लागू करें, जहाँ जिसकी वजह से यह बच्चे लोग
जो पिछड़े वर्ग के और आर्थिक इसमें पीछे रहते हैं वो अपना शिक्षा पूरा करे और देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा अपना सहयोग करे। इसलिए हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी राज्य सरकार से अनुरोध है कि ये सब शिष्यवृत्तियाँ एज इट इज़ चालू रहे और इनके पढ़ाई का रास्ता बंद ना करें। जय भीम, जय भारत। मैं MT बोरकर, वाइस प्रेसिडेंट बहुजन सोशल फ्रंट। आज जो है यहाँ पर संविधान चौक के ऊपर जो शिक्षा के अंदर में शिक्षावृत्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दी, उसके ऊपर जो धरना प्रदर्शन था उसमें मैं आया हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये शिष्यवृत्ति जो है ये बाबा साहब ने 1944 में मतलब लागू की थी अंग्रेज़ों के समय से, लेकिन और उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उसके बाद में 100% स्कॉलरशिप मिलती रही, लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उन्होंने जो है 100% से 40% पे लाया, और 40% लाने के बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 40%, स्टेट गवर्नमेंट 60%, इस तरीके से वो पूरे देश में जो है SC ST OBC को जो स्कॉलरशिप मिलती रही। लेकिन आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 40% स्कॉलरशिप दे रही थी वो 10% ला ली है, और इस तरीके से जो आज जो है 90% स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ रहा। जब स्टेट गवर्नमेंट को 90% देना पड़ रहा तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट के 9 राज्यों के अंदर में उन्होंने ये कर दिया कि भाई हम 90% नहीं दे सकते। इसीलिए इस तरीके से अभी देखेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट 90% नहीं देंगी तो SC ST OBC के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही वो तो मिलेंगी नहीं। तो एक तरीके से ये जो मानवादी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती कि SC ST OBC के जो लड़के हैं वो आगे जाएं, और इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके से स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया। ना रहेंगे बास ना बजेंगे बासरी, जो स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं नौकरी में जाएंगे कहाँ से, नौकरी में जाएंगे नहीं तो इनका उत्थान कहाँ से होगा। इस तरीके से उन्होंने एक तीर से कई निशान साधा है। इसीलिए आने वाले समय में सभी जो समाज के लोग हैं, सभी संगठना के लोग हैं, सभी संगठना के लोगों ने इकट्ठे आकर इस देश के अंदर में ये जो स्कॉलरशिप ख़त्म करना, मतलब यह है कि इस देश के अंदर में जो SC ST के जो लोग हैं उनको मानसिकता से और नैतिकता से शिक्षा से वंचित करके इस देश के अंदर में उनकी जो उन्नति हो रही है वो आज एक जो पीढ़ी, मतलब जो 3 पीढ़ी जो है, जैसे कि मैं शिक्षा के मतलब स्कॉलरशिप मिली इसलिए मैं सर्विस में आया, और सर्विस में आकर मैं रिटायर हुआ, और आज रिटायरमेंट के कारण जो है मैं पेंशन ले रहा हूँ। तो आज जो है इस देश के अंदर में जो मनवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग, जो 3% लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में जो SC ST के लोग हैं वो पढ़ लिख कर नौकरी पाए, और जब नौकरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट हो गए, और रिटायरमेंट हो गए तो इसका मतलब जो है वो पेंशन मिलेगा। अभी आपको मालूम होगा कि नागपुर के अंदर में अगर आप धर्मपेट ब्याजनगर यहाँ जाओगे तो यहाँ पर कम से कम शाम के वक्त देखेंगे तो कम से कम 400-500 लोग, रिटायरमेंट लोग जो है वो ब्राह्मण लोग घूमते हुए मिलेंगे। तो ये क्यों मिल रहा है ये घूमते हुए? वो इन लोगों ने सर्विस की और सर्विस के कारण उनको जो है वो पेंशन मिल रही। लेकिन आज जो है बड़े पैमाने पर जो SC ST के लोग जो नौकरी में आए थे उनके बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते इसीलिए उनको जो है स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, ताकि जो उनके बच्चे जो है नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो नौकरी में ना पाए, और नौकरी में नहीं आएंगे तो फिर उसकी पीढ़ी तो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर ये ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा है। इतने में बात करना चाहता हूँ, और सारे समाज के लोग, चाहे वो सारे संगठना के लोग, सारे पार्टी के लोग इकट्ठे आकर इस देश के अंदर मनवादी सरकार है इसको, मतलब जब तक हम तहस नहस नहीं करेंगे, इसके खिलाफ में आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक कुछ होगा नहीं, यही मेरी कहना है।